नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिवम गुप्ता। बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। राजस्थान के सीएम गहलोत बोले, एक बुरा सपना था जो बीत गया, पूरा परिवार एकजुट मिलकर चलेंगे। बैठक में अशोक गहलोत ने कहा कि हम सब लोग मिलकर चुनाव जीत कर आए हैं, सरकार बनी है, सबके सहयोग से बनी है, उसके बाद हम अलग हो जाएं ये कैसे हो सकता है, हमें एकजुट रहना है और मिलकर चलना है। देश में दूसरी बार 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, अमेरिका ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते दिन 1007 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब देश में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में अब तक 48,040 लोगों की मौत हो चुकी है। लद्दाख में दाल नहीं गली तो अब डोकलाम में साजिश की तैयारी में जुटा चाइना। लद्दाख में चल रहे भारत चाइना के तनाव में भारत को पीछे हटता न देख चीन अब दूसरी तिकड़म भिड़ाना शुरू कर दिया है। चीन अब डोकलाम में वापस अपनी सेना की हरकतों को बढ़ावा दे रहा है। बीजेपी का केजरीवाल पर आरोप, महिला अपराध से आप जुड़े नेताओं के नाम जोड़ने पर केजरीवाल साथ लेते हैं चुप्पी। बीजेपी के दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि जब आपके नेताओं का नाम महिलाओं के साथ दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न, बदसलूकी जैसे मामलों में सामने आते हैं तो मुख्यमंत्री केजरीवाल चुप्पी साध लेते हैं। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में शराब पीकर महिलाओं को परेशान करने वाले 38 गिरफ्तार, महिला स्वयं सिद्ध ने की कार्रवाई। महिला स्वयं सिद्ध टीम ने ऐसे 38 लोगों को गिरफ्तार किया है। टीम ने पुरानी कचहरी कंपाउंड, नया गांव भंगोल में शराब ठेकों के आसपास सार्वजनिक स्थानों पर खुले में और गाड़ी में बैठकर शराब पीने वाले 38 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारत के साथ खड़ा हुआ अमेरिका, एलएसी पर चीन के रवैये के खिलाफ अमेरिकी सीनेट में प्रस्ताव पेश। एलएसी विवाद पर भारत के साथ अमेरिका सीनेट में चीनी आक्रमकता के खिलाफ आलोचना प्रस्ताव पेश किया गया है। प्रस्ताव में चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की गतिविधियां के बाद आया है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदर्शन सुधारने के इच्छुक छात्रों के लिए सितंबर में होगी वैकल्पिक परीक्षा। कोविड-19 के चलते रद्द की गई परीक्षाओं के नतीजे का ऐलान पिछले माह वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के आधार पर किया गया था। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के आसपास चप्पे चप्पे पर बनेगा अवैध सुरक्षा घेरा। 74वें स्वतंत्रता दिवस के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरह तैयार है और इस कोरोना संकट काल में भी देश के स्वतंत्रता समारोह में किसी तरह का विघ्न न पड़े, इसके लिए सुरक्षा कर्मी पूरी तरह मुस्तैद है। उद्धव ठाकरे बोले, मराठी लोगों के लिए, अधिकारों के लिए शिवसेना का हुआ था जब, इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। शिवसेना के दिवंगत सुप्रीमो बाल ठाकरे की शुरू की गई साप्ताहिक मासिक पत्रिका मार्मिक के 60 साल पूरे होने पर ठाकरे ने कहा कि पत्रिका ने मुंबई में मराठी भाषी लोगों के साथ हुए अन्याय को उजागर किया। एमएस धोनी का कोविड-19 टेस्ट निगेटिव, चेन्नई अभ्यास कैंप में लेंगे हिस्सा। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के कप्तान एमएस धोनी का कोविड-19 टेस्ट निगेटिव आया है। अब वह आईपीएल के 13वें सीजन में पहले शुक्रवार को एक हफ्ते के कैंप के लिए चेन्नई पहुंचेंगे। बता दें कि धोनी पिछले साल से एक्शन से दूर हैं। उन्होंने 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल से खुद को क्रिकेट से दूर रखा है। अब वह आईपीएल 2020 में एक बार फिर एक्शन में दिखाई देंगे। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहे पोल खोल पोस्ट। अगर आपने YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। हरियाणा स्वीट्स त्यौहार लेकर आए हैं आपके लिए आपकी पसंदीदा मिठाइयां, काजू रोल, मिल्क केक, कलाकंद, दादा बर्फी और भी बहुत कुछ। आप अपना ऑर्डर हमें फोन पर भी दे सकते हैं। हमारा पता है हरियाणा स्वीट्स, मेन मार्केट, सिंगरौली। कॉन्टैक्ट नंबर 9424-34-8889, 6268-37-6474। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।